हेलो फ्रेंड्स, मैं शोविक, मेरा चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग को पूरा से पूरा जानकारी दूंगा लेफ्ट साइड जजमेंट के लिए, ठीक है। तो मैं जानता हूँ जो बिगिनर्स होता है उन लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम होता है लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट साइड कितने तक गाड़ी है वो ये जानने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो पूरा से पूरा फास्ट से लास्ट तक मैंने आज लेफ्ट साइड जजमेंट के लिए आप लोग को बोलूंगा। आज से आप लोग को पूरा से पूरा क्लियर हो जाएगा जो लेफ्ट साइड जजमेंट के लिए, ठीक है। मैं जो वीडियो आज स्टार्ट कर रहा हूँ वो वीडियो स्किप मत करके पूरा से पूरा देख लीजिए। आज से आपका पूरा से पूरा जितना कन्फ्यूजन था वो आज आपका पूरा से पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले बाहर जाके कार को दिखाते हैं, जो कार का जो सामने वाला पार्ट है वो किधर से कितने तक है, ठीक है। तो चलिए पहले सामने तक जाते हैं, ठीक है। चलिए पहले ये मैं दिखाऊंगा। देखिए इधर से गाड़ी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट होने के से और ये वाला बाइक लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा जो इसका डिस्टेंस कितना है, ये मुझे को मेजर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए जी इसका जो सामने वाला पार्ट और इधर से इधर तक इसका कितना वाइड है, ठीक है। ये आपका दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद अपने गाड़ी में चढ़िए, ठीक है। चलिए गाड़ी में चढ़ते हैं। हाँ दोस्त, अभी गाड़ी पे चढ़ गया। तो गाड़ी में चढ़ के एसी ऑन कर दीजिए और पहले उसके बाद दिमाग पूरा से पूरा कूल कर लीजिए, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, जितना आपका दिमाग में परेशान है, जितना टेंशन है सब फेंक दीजिए, एसी ऑन कर दीजिए। एसी ऑन करना चाहिए तो उसके बाद आपका दिमाग कूल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाड़ी चलाना, ठीक है। टेंशन लेकर मत गाड़ी चलाइए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जो बोलना चाहता हूँ आज, देखिए ये जो वाला बोनेट है, मैं पहले वीडियो भी बोल चुका हूँ फिर भी बोल रहा हूँ। सोचिए ये वाला, देखिए ये वाला बोनेट है, ठीक है। और बोनेट का मिडिल पॉइंट है, देख लीजिए ऐसा, ठीक है। तो इधर में मैंने एक मार्क कर चुका हूँ पहले से ही, ये वाला मिडिल पोर्शन है, ठीक है। तो आपको जांच करना पड़ेगा इधर से इधर तक, ठीक है। ये वाला आपको जांच करना पड़ेगा, इधर से आपका जांच होगा और इधर तक, ठीक है। अपने बाहर जो देखा गाड़ी का वेट जितना देखा वो दिमाग से पूरा से पूरा निकल दीजिए दिमाग से, क्योंकि आप अभी कार चला रहे सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना जो गाड़ी का कितना लेंथ है, कितना वाइट है, ये पूरा से पूरा अभी दिमाग से बाहर निकल दीजिए। उसके बाद अपने सिर्फ सोचिए जो इतना वाला पार्ट अपने सोच लीजिए, ठीक है। सोचिए गाड़ी का एंड इधर है, ठीक है। ये वाला है कार का एंड, ठीक है। और इधर से इधर तक अपना कार का एंड है, सिर्फ सोच लीजिए, ठीक है। पूरा से पूरा देखिए, पूरा से पूरा इमेजिन कीजिए जो आपका कार का इतना तक है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको क्यों ऐसा बोल रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए अभी चलिए मैं कार स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए मैंने अभी जज कर लिया, मेरा ये भी एंड है, ये जो वाला पॉइंट कर चुका हूं ये एंड हो चुका है, ठीक है। अपन देख सकते हैं। तो मैंने कार को यहां पे रोक दिया, ठीक है। थोड़ा सामने जाके रुक रहा हूं। रुकिए सामने जाके, क्योंकि सामने पास में दुकान है, उसका सामने नहीं रुकूंगा। अभी देखिए ये जो वाला लाइन है, ये अभी वो जो वाला रोड का पास जो
व्हाइट कलर का जो लाइन है एंड, जो रोड का एंड पर जो व्हाइट कलर का जो लाइन है वो अभी ए पॉइंट्स के मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए मैच कर रहा है। तो चलिए बाहर जाके आप लोग को दिखाता हूँ, एक मिनट, देखिए ऑटो आ रहा है, अभी नहीं खुलूंगा दरवाजा, अभी खुल सकता हूँ, चलिए। देखिए मेरा व्हील अभी पूरा से पूरा व्हाइट लाइन का ऊपर है, टच कुछ कर चुका है, ठीक है। तो ये होगा लेफ्ट साइड जजमेंट। तो अभी चल रही है, कैसे हम लोग कार चलाएंगे ये जज करके, चलिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को फिर, ठीक है, अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। देखिए तो ये वाला होगा लेफ्ट साइड जजमेंट, वो वाला पॉइंट, अभी चलिए दिखाता हूं। इसके अंदर कोई रहेगा तो मैं ओवरटेक नहीं कर सकता हूँ, ओवरटेक करूंगा तो धक्का लग जाएगा, ठीक है। और इसका बाहर कोई रहेगा तो मैं जा सकता हूँ। सोचिए ये वाला ऑटो, ठीक है, ये वाला ऑटो अभी ये पॉइंट का अंदर है तो अभी मैंने उसका ओवरटेक नहीं कर सकता। सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा नहीं तो ऐसा बीप होने ही रहेगा। अच्छा अभी देखिए ये वाला रिक्शा जो है इसका अंदर है, ठीक है। तो अभी मैंने जब इसका बाहर चला जाएगा, वो लाइन का बाहर चला जाएगा, तब मैंने उसको ओवरटेक कर सकता हूँ। थोड़ा सा डाय के ले रहा हूँ, चला गया, अभी मैं जा सकता हूँ, ठीक है। सेम मैं सामने भी और एक जा रहा हूँ, देखिए देखिए ये जो ऑटो है, ये ऑटो अभी इसका अंदर है, देख लीजिए इसका अंदर है। तो अभी मुझे को इसका बाहर जब वो ऑटो चला जाएगा तब मैंने आगे की तरफ बढ़ सकता हूँ। चलिए दिखाता हूँ, देखिए अभी इसका अंदर है, मैं थोड़ा सा दाहिने तरफ ले लिया, अभी मैंने उसको ओवरटेक कर लिया, ठीक है। फिर और एक कार को दिखा रहा हूं आप लोग को, ठीक है, चलिए दिखाते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी एक टाइम में नया था, मैं भी सीखा। देखिए ये चीज आप ध्यान में रखेंगे तो धीरे धीरे से आपका एक जजमेंट हो जाएगा, एक से हो जाएगा आपका, ठीक है। जे मेरा कार इधर तक है, मेरा कार इधर तक लेकर जाना है, नहीं तो टच हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, प्रॉब्लम पूरा से पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए जो मोटर वैन जो जा रहा है, ठीक है, वो अभी इसका अंदर है तो उसको मैंने ओवरटेक करना चाहता हूँ, थोड़ा सा थोड़ा दाएं की तरफ ले लूंगा। देखिए अभी उसको इजीली मैंने ओवरटेक कर लिया। फिर और एक आ रहा है तो अभी इसका अंदर है, थोड़ा सा थोड़ा दाएं के ले लूं, इसका बाहर चला गया, अभी इसको मैंने ओवरटेक कर सकता हूं, ठीक है दोस्त। तो मैं ऐसा ही बोलना चाहता हूं जो आप मत टेंशन ले लीजिए। देखिए फिर और एक बात दिखा रहा हूं जो मेरा लेफ्ट साइड जजमेंट कितना सही है होता है। देखिए मैंने कार रोक दिया, ठीक है, ऑफ कर लिया मैंने, अभी चलिए बाहर। अभी देख लीजिए चक्का पूरा से पूरा इसका ऊपर है, व्हाइट लाइन का ऊपर है, जो जो रास्ते के पास में जो लाइन है इसका पूरे से पूरा
तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है वो क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो आपका नोटिफिकेशन आपका फोन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक भी दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।